हेलो बच्चों, आज का पाठ है मेरे संगी औरतें और लिखा है मृदुला गर्ग जी ने। इस पाठ में लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा था, लेकिन उनके बारे में सुना था। और जब वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में थी तो उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। क्यों की थी यह भेंट? क्योंकि वो अपनी बेटी का विवाह किसी क्रांतिकारी से करना चाहती थी, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने भाग लिया हो उस व्यक्ति से करना चाहती थी, क्योंकि वह देशभक्त थी। इसके अतिरिक्त वह बहुत ही साहसी स्त्री थी। उन्होंने पर्दे में रहने के बावजूद किसी पराए पुरुष से मिलने का साहस किया। लेखिका की नानी प्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदार नहीं थी, लेकिन उनके मन में हमेशा स्वतंत्रता की भावना बनी रही थी। उसने कभी भी अंग्रेजों की प्रशंसा नहीं की। उनके पति इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करके आए थे और अंग्रेजों के भक्त थे, फिर भी उसने अंग्रेजों की जीवन शैली में कभी भाग नहीं लिया। और सबसे बड़ा योगदान उनका ये था कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी अंग्रेज भक्तों के चंगुल में नहीं आने दिया। लेखिका की माँ जो थी वो असाधारण व्यक्तित्व की महिला थी, और उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए काम करती थी। उनके विचार बहुत ही मौलिक हुआ करते थे। घर में उनका सभी व्यक्ति सम्मान किया करते थे। उनसे घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करवाया जाता था। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि घर के सभी बड़े कामों में उनकी राय ली जाती थी और उनकी राय को पत्थर की लकीर मान करके उपयोग में लाया जाता था। लेखिका की माँ को किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। उनके मान सम्मान के दो बड़े कारण थे। एक तो यह कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, दूसरा किसी की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। लेखिका की दादी का व्यक्तित्व भी बहुत ही विचित्र था। वह भी लीक से हट करके काम करती थी। उसके घर में भी हर व्यक्ति को अपना अधिकार बनाए रखने की स्वतंत्रता थी। लेखिका की दादी, ताई और पिता उसकी माँ के कर्तव्यों को पूरा करते थे। लेखिका की माँ बिस्तर पर लेटे लेटे किताब पढ़ती थी और संगीत सुनती थी, फिर भी उसे भरपूर सम्मान मिलता था। हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने विचार बताता था, पर दादी परंपरा की लीक पर चलने वाली स्त्री नहीं थी। उस युग में लड़की होने की मन्नत मांगना क्रांतिकारी विचारधारा का संकेत देता है। लेखिका का जब जन्म हुआ था तो उनकी दादी ने लड़की की मांग की थी। उस युग में स्त्री सुधार का आंदोलन चल रहा था और इसका प्रभाव दादी पर भी पड़ा था। उनकी मन्नत से पता चलता है कि वह स्त्रियों को सम्मान देती थी। वह लड़कियों से प्रेम करती होंगी, इसलिए उन्होंने लड़की होने की मन्नत मांगी थी। एक बार माजी जब एक रात रतजगे के शोर से बचने के लिए अलग कमरे में सो रही थी, तब उनके कमरे में सेंध लगा करके कोई चोर घुस आया था। माँ की आवाज़ सुनकर जाग गई और पूछा, कौन है? चोर बोला, माजी ने उससे पानी लाने के लिए कहा। माजी ने कहा, कपड़ा कसकर बांधे रहना। चोर डर गया। उसने कैसे जान लिया कि उसने कपड़ा बांधा हुआ है? माजी ने चोर द्वारा बताने पर भी वह चोर है पानी भरवाया। उसने लोटे से पानी पीकर शेष पानी चोर को पिला दिया और फिर कह दिया कि अब तो हम माँ बेटा हो गए, अब तुम चोरी करो या खेती करो। चोर ने चोरी करना छोड़ करके खेती का काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से डराने धमकाने उपदेश देने की बजाय उसने सहजता से एक व्यक्ति को सही मार्ग पर लाने का काम किया। लेखिका मानती हैं कि शिक्षा प्राप्त करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में थी, तब वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था और तब वह बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना करती हैं, किंतु वे वहाँ इसलिए स्कूल खोलने को तैयार नहीं होते क्योंकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम थी। किंतु लेखिका तो सब बच्चों के द्वारा शिक्षा पाने की पक्षपाती थी। लेखिका और उसकी बहन में अकेले अपने जीवन पथ पर चलने का पूरा साहस था। लेखिका ने अपनी हिम्मत और साहस से बिहार में रहते हुए नारी जागरण का कार्य किया।
उन्होंने शादीशुदा औरतों को नाटक में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। नारी जागृति उत्पन्न करने की उनमें एक अजीब सी धुन थी। लेखिका की बहन रेणु भी जीवन में अकेले ही अनोखे काम कर दिखाने वाली, आनंद अनुभव करने वाली युवती थी। उसे स्कूल से लौटते हुए गाड़ी में आना पसंद नहीं था, बल्कि वह पैदल चलकर के घर आती थी। एक दिन अधिक बरसात के कारण स्कूल की गाड़ी न आने पर पैदल ही स्कूल जा पहुंची। इससे वह सिद्ध करना चाहती थी कि अकेले ही अपनी राह पर चलना चाहिए और इसका एक अलग ही मजा है। इस प्रकार दोनों के व्यक्तित्व में अकेले अपना काम करने की खासियत पाई जाती है। लेखिका की माँ के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वह बहुत ही कमज़ोर थी, दुबली पतली सी थी। और लेखिका की दादी जो थी वो लेखिका की माँ से घर के कामकाज नहीं करवाती थी, क्योंकि वह हमेशा ही स्वतंत्रता की पक्षधर रही थी। चोर लेखिका की माँ के कमरे में चोरी करने के लिए घुसा, लेकिन वह डरी नहीं। और यहाँ पर उनके परिवार में हिम्मत का जो एक तत्व है वो दिखाई देता है। लेखिका बचपन से ही स्वतंत्रता की दीवानी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में वह बहुत चाव से भाग लेती थी, किंतु जिस दिन स्वतंत्रता समारोह का आयोजन किया गया उस दिन वह बीमार हो गई। उसे टाइफाइड बुखार हो गया था। उन दिनों उसे जानलेवा बुखार माना जाता था। यही कारण था कि डॉक्टर ने उन्हें घर से बाहर ना जाने के लिए बहुत ही सख्ती से मना कर रखा था और वह स्वतंत्रता के समारोह में भाग नहीं ले पाई। यही कारण था कि उनका मन इस वजह से बहुत उदास हो गया था।